नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 10 चैप्टर आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 11वां चैप्टर है, डेटा संचार एवं नेटवर्किंग। याद रखिए, 14 से 15 आपके चैप्टर और प्लस 20, 25 से 30 आपके मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट क्लास आप लोग कर लोगे तो उसके बाद आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे कोई लिखित में एग्ज़ाम हो, फिर चाहे वो 1 डे एग्ज़ाम हो, SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे, ठीक है, ये सभी आपके इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सभी लेक्चर आपको कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी है उसी में मिल जाएंगे। तो बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में। संचार का अर्थ है, संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, निर्देश तथा सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? डेटा संचार कहलाती है। डेटा संचार में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य डिजिटल या फिर एनालॉग डेटा का स्थानांतरण किया जाता है जो आपस में संचार चैनल से जुड़े होते हैं। डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सिग्नल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। सिग्नल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका डिजिटल, दूसरा एनालॉग, तीसरा है हाइब्रिड सिग्नल्स। तो पहले बात करते हैं डिजिटल सिग्नल के बारे में। डिजिटल सिग्नल्स में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात बाइनरी संख्याओं 0 और 1 के रूप में होती हैं। दूसरा सिग्नल है आपका एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स में डेटा का रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है, उदाहरण के लिए टेलीफोन लाइनों में। तीसरा है आपका हाइब्रिड सिग्नल्स। हाइब्रिड सिग्नल्स में एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल्स के गुण होते हैं। फिर है आपका संचार चैनल के प्रकार। संचार चैनल के चैनल भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सिंपलेक्स चैनल। इसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है, अर्थात चैनल केवल एक ही दिशा में डेटा का संचार कर सकता है। इस चैनल के माध्यम से केवल एक संचार युक्ति ही सूचना को भेज सकती है, दूसरी संचार युक्ति सूचना को केवल प्राप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, रेडियो स्टेशन से रेडियो सिग्नल्स श्रोताओं के पास पहुंचते हैं, किंतु श्रोताओं से वापस रेडियो स्टेशन तक स्टेशन नहीं जाते, जैसे ए से बी की ओर। ये पेशक हो गया, ये प्राप्तकर्ता हो गया, ठीक है, एक ही लाइन में जाएगा, एक ही दिशा में। अगर दूसरी तरफ से कोई भेजना चाहे तो नहीं भेजेगा, ठीक है। फिर है आपका दूसरा है अर्ध डुप्लेक्स चैनल। इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, किंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप लोग टेलीफोन लाइन में एक समय में एक ही दिशा में डेटा का संचार होता है, जैसे ए से बी या बी से ए की ओर, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, और यह है आपका प्रेषक और प्राप्तकर्ता, इस तरह से। तीसरा है आपका पूर्ण डुप्लेक्स चैनल। इस चैनल में डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है, दोनों चैनल लगातार डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वायरलेस में एक समय में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में एक साथ हो सकता है, जैसे ए से बी की ओर और बी से ए की ओर। फिर है आपका संचार मीडिया। संचार मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया, किसी कंप्यूटर से टर्मिनल या फिर किसी टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा के संचार के किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को कम्युनिकेशन लाइन या फिर डेटा लिंक कहते हैं। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। संचार मीडिया आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, गाइडेड मीडिया और या फिर वायर्ड तकनीक। गाइडेड मीडिया में डेटा सिग्नल्स तारों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इन तारों के द्वारा डेटा का संचार किसी विशेष पथ से होता है।
ये तार कॉपर टिन या सिल्वर के बने होते हैं। सामान्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ईथरनेट केबल, ट्विस्टेड वेयर। इस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे होते हैं, जिसके ऊपर एक कुचालक पदार्थ तथा एक अन्नरात परत बाहरी आवरण जैसे जैकेट कहते हैं लगा होता है। दो में से एक तार सिग्नल्स को प्राप्त करता तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरा अर्थिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इस केबल का प्रयोग छोटी दूरी में डेटा संचार के लिए करते हैं। इस तार का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। दूसरा है आपका कोएक्सियल केबल। इस केबल के द्वारा उच्च आवृत्ति वाले डेटा को संचारित किया जाता है। यह केबल उच्च गुणवत्ता का साथ संचार का माध्यम है। इस तार को जमीन या फिर समुद्र के नीचे से ले जाया जाता है। इस केबल के केंद्र में ठोस तार होता है जो कुचालक तार से घिरा होता है। इस कुचालक तार के ऊपर तार की जाली बनी होती है, जिसके ऊपर फिर कुचालक की परत होती है। यह तार अपेक्षाकृत महंगा होता है, किंतु इसमें अधिक डेटा के संचार की क्षमता होती है। इसका प्रयोग टेलीविजन नेटवर्क में किया जाता है। पीवीसी, सीथ, ब्रेड हो गया, डायलेक्टिक, कॉपर कंडक्टर। तीसरा है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। यह एक नई तकनीक है जिसमें धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के गिलास या फिर प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग डेटा संचार के लिए करते हैं। ये केबल हल्की तथा तीव्र गति वाले होते हैं। इस केबल का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए होता है। क्लैडिंग, कोर, प्रोटेक्टिव कोटिंग। आगे बात करते हैं हम लोग अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस तकनीक। केबल के महंगा होने तथा इसके रखरखाव का खर्च अधिक होने के कारण डेटा संचार के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अनगाइडेड मीडिया में डेटा का प्रवाह बिना तारों वाले संचार माध्यम के द्वारा होता है। इन मीडिया में डेटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है। चूँकि इस माध्यम में डेटा का संचार बिना तारों तरंगों के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस तकनीक कहा जाता है। कुछ अनगाइडेड मीडिया का विवरण निम्न है। पहला है आपका रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन, जब दो टर्मिनल रेडियो आवृत्तियां के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो इस प्रकार के संचार को रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहा जाता है। ये रेडियो तरंगें सर्व दिशात्मक होती हैं तथा लंबी दूरी के संचार के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। रेडियो वेव ट्रांसमिशन वायर्ड तकनीक से सस्ता होता है तथा मोबाइलिटी प्रदान करता है, परंतु इस पर वर्षा, धूल आदि का बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इस सिस्टम में सिग्नल्स खुले तौर पर बिना किसी माध्यम के रेडियो सिग्नल्स की तरह संचारित होते हैं। इस सिस्टम में सूचना का आदान प्रदान आवृत्तियों के माध्यम से किया जाता है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति लगभग 0.3 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। ये एकल दिशात्मक होती हैं। यह कोएक्सियल केबल की तुलना में तीव्र गति से संचार प्रदान करती हैं। इसमें अच्छी बैंडविड्थ होती है, किंतु इस पर वर्षा, धूल आदि का मौसम का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रयोग सेलुलर नेटवर्क, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग में होता है। फिर है आपका तीसरा इन्फ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। इन्फ्रारेड
वेव छोटी दूरी के संचार के लिए प्रयोग में लाने जाने वाली उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। ये तरंगें ठोस ऑब्जेक्ट जैसे दीवार आदि के आर पार नहीं जा सकते। मुख्यतः ये टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर आदि में प्रयोग की जाती हैं। चौथा है आपका सैटेलाइट संचार। सैटेलाइट संचार तीव्र गति का डेटा संचार माध्यम है। यह लंबी दूरी के संचार के लिए सबसे आदर्श संचार माध्यम होता है। अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट उपग्रह को जमीन पर स्थित स्टेशन से सिग्नल भेजते हैं तथा सैटेलाइट उस सिग्नल का विस्तार करके उसे किसी दूर स्थित स्टेशन पर वापस भेज देता है। इस सिस्टम के द्वारा एक बड़ी मात्रा में डेटा को अधिकतम दूरी तक भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग फोन, टीवी अथवा इंटरनेट आदि के लिए सिग्नल्स भेजने में होता है। कुछ आपके पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लीजिए। ब्लूटूथ, ये एक ऐसी वायरलेस बिना तार वाली तकनीक है जिसमें बहुत छोटी दूरी पर स्थित दो माध्यमों में डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ब्रैंडविड्थ, इसका प्रयोग डेटा ट्रांसफ़र की दर निर्धारित करने में होता है। इसका मात्रक साइकिल प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज होता है। थ्रूपुट, यह दो कंप्यूटर के मध्य होने वाले डेटा के स्थानांतरण की मात्रा है। इसका मात्रक बिट्स प्रति सेकंड है। पर्याप्त का बोरोड, यह डेटा के संचारण की गति मापने का मात्रक है। इसे बिट सेकंड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, कोई नेटवर्क एक से अधिक बिंदुओं, वस्तुओं या फिर व्यक्तियों को आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ सीधा संबंध बना सके। प्रत्येक नेटवर्क का एक निश्चित उद्देश्य होता है। कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास या फिर दूर बिखरे हुए कंप्यूटरों को इस प्रकार जोड़ने से है कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं या फिर संदेशों का आदान प्रदान कर सकें और एक दूसरे के साधनों तथा सुविधाओं को साझा कर सकें। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो सूचनाओं या फिर अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं सेंटों की परस्पर साझेदारी होती है जिससे डेटा, सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एक कंपनी, एक अथवा अधिक भवनों, एक कमरे तथा शहर के मध्य स्थापित किए जा सकते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क को उनके कंप्यूटरों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग एक किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या फिर उनका एक समूह। लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़े गए उपकरण की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन उपकरणों को किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटर टर्मिनलों और कार्यस्थलों तथा अन्य बाहरी उपकरणों को एक दक्ष तथा मितव्ययी विधि से जोड़ सकता है ताकि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें तथा सबको सभी साधनों का लाभ मिल सके। चित्र में एक लोकल एरिया नेटवर्क दिखाया गया है। ये है, फिर आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। इनका खाल क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। यह एक बड़े आकार का डेटा नेटवर्क है। इसमें डेटा के संचार की दर लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। याद रखिए, इसमें डेटा के संचरण की दर लोकल एरिया
नेटवर्क की तुलना में कम होती है। अधिक दूरी के कारण प्रायः इनमें माइक्रोवेव स्टेशनों या फिर संचार उपग्रहों का प्रयोग संदेश आगे भेजने वाले स्टेशनों की तरह किया जाता है। माइक्रोवेव नेटवर्क दो रिले टावरों के बीच आवाज़ या फिर डेटा को रेडियो तरंगों के रूप में भेजते हैं। प्रत्येक टावर उस संदेश को प्राप्त करके उत्तेजित करता है और फिर आगे भेज देता है। विश्वव्यापी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वे आजकल के वित्तीय जगत के लिए अनिवार्य हो गए, जैसे शेयर मार्केट, बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि के लिए। तीसरा है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसे संक्षेप में मैन भी कहते हैं, जिसकी गति 10 से 100 एमबीट्स प्रति सेकंड होती है। ये काफ़ी महंगे नेटवर्क होते हैं जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से जुड़े होते हैं। ये टेलीफोन या केबल ऑपरेटर और माइक्रोवेव लिंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बात करते हैं नेटवर्किंग के आखिर लाभ क्या क्या हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। नेटवर्किंग के लाभ, साधनों का साझा। हम नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए साधन का उपयोग नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों पर कार्य करते हुए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंप्यूटर के साथ लेजर प्रिंटर जुड़ा हुआ है, तो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से उस प्रिंटर पर कोई भी सामग्री छापी जा सकती है। दूसरा है आपका डेटा का तीव्र संप्रेषण। कंप्यूटर के नेटवर्किंग से दो कंप्यूटरों के बीच सूचना का आदान प्रदान तीव्र तथा सुरक्षित रूप से होता है। इससे कार्य की गति तेज होती है और समय की भी की बचत होती है। तीसरा है आपका विश्वसनीयता। नेटवर्किंग में किसी फाइल की दो या अधिक प्रतियां अलग अलग कंप्यूटरों पर स्टोर की जा सकती हैं। यदि किसी कारणवश एक कंप्यूटर खराब या असफल हो जाता है, तो वह डेटा दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे के लिए बैकअप का कार्य भी करते हैं, जिससे उन्हें विश्वसनीयता बढ़ती है। बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्तियों तक होती है। उदाहरण के लिए आप लोग ब्लूटूथ ले सकते हैं, वायरलेस ले सकते हैं, USB आदि पेन आपके पेन के उदाहरण हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क के। फिर है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्रकार का नेटवर्क है, जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। यह आजकल एक तेज़ी से प्रसारित होने वाला नेटवर्क है, जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में तेज़ी से बढ़ा है। ये नेटवर्क आभासी भी हैं और निजी भी हैं। निजी इसलिए हैं क्योंकि इस नेटवर्क में किसी संस्था की निजता की पूरी गारंटी होती है, तथा आभासी इसलिए हैं क्योंकि यह नेटवर्क बैन का प्रयोग नहीं करता है। अब बात करते हैं आखिर लैन मैन बैन में अंतर क्या है। इस तरह से अगर लिखने को आ जाए लिखित में, तो आप इन्हें लिख सकते हैं डिफरेंसन को। ये आपके लैन हो गए, मैन हो गए और बैन हो गए। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी दूरी की बात करें तो लैन में सीमित है इसकी दूरी, आमतौर पर 2500 मीटर तक की दूरी के लिए है आपका लैन। और जो मैन है आपका, इसकी भी सीमित दूरी है, आमतौर पर 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए है। और जो आपका बैन है, ये असीमित है, ठीक है। गति की बात करें तो इसकी अधिकतम है, लैन की गति अधिकतम है, आमतौर पर 1000 MB/s तक। और जो मैन है आपका अधिक है, इसकी भी गति अधिक है,
आमतौर पर 100 से 1000 एमबी पर सेकंड, और जो आपका बैन है इसकी गति निम्न है, आमतौर पर 10 से 100 एमबी पर सेकंड तक। मीडिया की बात करें लोग तो लैन ट्विस्टेड पेयर केबल फाइबर ऑप्टिकल केबल को एक्सियल केबल है। बैन की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल फाइबर ऑप्टिकल केबल आदि, और बैन ट्विस्टेड पेयर केबल्स को एक्सियल केबल फाइबर ऑप्टिकल केबल उपग्रह को शामिल करने के लिए वायरलेस। नोड्स की बात करें तो लैन में कोई भी हो सकते हैं किंतु अधिकतर डेस्कटॉप होते हैं। मैन में कोई भी हो सकते हैं किंतु अधिकतर डेस्कटॉप या फिर आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं। लेकिन जो बैन है इसमें कोई भी हो सकते हैं किंतु अधिकतर डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेटवर्किंग युक्तियों के बारे में। सिग्नल्स की वास्तविक शक्ति को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नेटवर्किंग युक्तियों का प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जाता है। कुछ प्रमुख नेटवर्किंग युक्ति आपकी निम्न है। बात करते हैं रिपीटर। रिपीटर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो निम्न स्तर के सिग्नल्स को प्राप्त करके उन्हें उच्च स्तर का बनाकर वापस भेजते हैं। इस प्रकार के सिग्नल्स लंबी दूरी को बिना बाधा की तय कर सकते हैं। रिपीटर्स का प्रयोग कमजोर पड़ चुके सिग्नल्स एवं उनके होने वाली समस्याओं से बचाता है। रिपीटर्स का प्रयोग नेटवर्क में कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने वाले केबल की लंबाई बढ़ाने के में किया जाता है। इनकी उपयोगिता सर्वाधिक उस समय होती है जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए काफ़ी लंबी केबल की आवश्यकता होती है। दूसरा है आपका हब। क्या है हब? हब का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ नेटवर्क की सारी केबल मिलती हैं। एक प्रकार का रिपीटर है होता है जिसमें नेटवर्क चैनलों को जोड़ने के लिए पोर्ट्स लगे होते हैं। आमतौर पर एक हब में 4, 8, 16 या 24 पोर्ट लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त हब पर प्रत्येक पोर्ट के लिए एक इंडिकेटर लाइट LED लगी होती है। जब पोर्ट से जुड़ा कंप्यूटर ऑन होता है तब लाइट जलती है। हब में कंप्यूटर को जोड़ना अथवा हबों को आपस में जोड़ना या हटाना बहुत सरल होता है। एक बड़े हब में करीबन 24 कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। इससे अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त हब का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को DG चैनिंग कहते हैं, दो या अधिक से हबों को आपस में जोड़ना। फिर आपका गेटवे। गेटवे एक युक्ति है जिसका प्रयोग दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के काम आता है। इन्हें प्रोटोकॉल परिवर्तक भी कहते हैं। ये फायरवॉल की तरह कार्य करते हैं। फिर आपका स्विच। क्या है स्विच? स्विच वे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटरों को एक लैन में जोड़ते हैं। स्विच को हब के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हब तथा स्विच की महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हब स्वयं तक आने वाले डेटा को अपने प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है, जबकि जो आपका स्विच है ये स्वयं तक आने वाले डेटा को केवल उसके गंतव्य तक भेजता है। फिर है आपका राउटर। राउटर का प्रयोग नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया को राउटिंग कहते हैं। राउटर एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। बड़े नेटवर्कों में एक से अधिक रूट होते हैं जिनके जरिए सूचनाएं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में राउटर्स ये तय करते हैं कि किसी सूचना को किस रास्ते से उनके गंतव्य तक पहुँचाना है। फिर है आपका राउटिंग स्विच। ऐसे स्विच जिनमें राउटर जैसी विशेषताएं होती हैं राउटिंग स्विच कहलाते हैं। राउटिंग स्विच नेटवर्क के किसी कंप्यूटर तक भेजी जाने वाली सूचनाओं को पहचान कर उन्हें रास्ता दिखाते हैं।
राउटिंग स्विच सूचनाओं की सबसे सस्ती सॉरी सबसे सही रास्ता खोजकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। राउटिंग स्विच। फिर आपका ब्रिज। ब्रिज छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के काम आता है ताकि ये आपस में जुड़कर एक बड़े नेटवर्क की तरह काम करें। ब्रिज एक बड़े या व्यस्त नेटवर्क को छोटे हिस्सों में बांटने का भी कार्य करता है। व्यस्त नेटवर्क को तब बांटा जाता है जब नेटवर्क के एक हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग रखा जाना है। फिर आपका मॉडेम। मॉडेम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है। एक मॉडेम को हमेशा एक टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन तथा एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदलने की प्रक्रिया को डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपके कुछ सर्वर इन्हें भी देख लीजिए, कभी पूछ लेते हैं परिभाषा। सर्वर वह एक कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट का प्रयोग करने वालों अर्थात उपयोगकर्ता को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह नेटवर्क की सबसे प्रमुख तथा केंद्रीय कंप्यूटर होता है। नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं। सर्वर क्षमता और गति की दृष्टि से अन्य सभी कंप्यूटर से श्रेष्ठ होता है और यह प्रायः नेटवर्क का अधिकांश अथवा समस्त डेटा सर्वर पर ही रखा जाता है। फिर आपका नोड। नोड की बात करें तो सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। ये वे कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम पहचान होती है। कई नोड अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसे नोडों को प्रया वर्क स्टेशन कहा जाता है। नोडों को प्रया क्लाइंट भी कहा जाता है। फिर आपका आता है प्रोटोकॉल। वह प्रणाली जो संपूर्ण संचार प्रक्रिया में विभिन्न डिवाइसों के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है प्रोटोकॉल कहलाती। प्रोटोकॉल की उपस्थिति में ही डेटा तथा सूचनाओं को प्रेक्षक से लेकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का आधार भी आपका प्रोटोकॉल ही है। बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या है नेटवर्क टोपोलॉजी? कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर नोड या फिर लिंक स्टेशन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था होती है। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। पहला है आपका बस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से युक्तियां जुड़ी होती हैं। यह नेटवर्क इंस्टॉलेशन छोटे अथवा अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। इस प्रकार के नेटवर्क को टोपोलॉजी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अत्यंत उच्च गति के कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाना है। परंतु यदि कम्युनिकेशन चैनल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क आपका खराब हो सकता है। ठीक है, ये आपका बस टोपोलॉजी। इसकी विशेषता एक क्या है कि अगर यदि कंप्यूटर चैनल खराब हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क इसमें खराब हो जाता है। इसका एक लाभ भी है। क्या लाभ है इसके? इसमें नए नोड जोड़ना अथवा पुराने नोड हटाना बहुत आसान होता है। किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क प्रभावित भी नहीं होता है। परंतु इसमें खराब हुए नोड का पता लगाना बहुत ही कठिन होता है। इसकी लागत बहुत कम भी होती है। दूसरा है आपका स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है।
इससे विभिन्न लोकल कंप्यूटर को सीधे जोड़ा जाता है, यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। ये सब के फैल होने से पूरा नेटवर्क फैल हो जाता है। इस तरह से देखिए, यह है आपका स्टार टोपोलॉजी। इसके लाभ की बात करें हम लोग, तो इसमें लाभ हैं, यदि कोई लोकल नोड कंप्यूटर खराब हो जाए तो शेष नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। इस स्थिति में खराब हुए नोड कंप्यूटर का पता लगाना आसान भी होता है। एक कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर से जोड़ने में कम लागत भी आती है। लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने से नेटवर्क की सूचना के आदान प्रदान की क्षमता प्रभावित नहीं होती है। फिर है आपका तीसरा रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में कोई हब एक लंबी केबल नहीं होती है। सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसमें किसी भी एक कंप्यूटर के खराब होने पर संपूर्ण आपकी जो रिंग होती है वो बाधित होती है। यह गोलाकार आकृति सर्कुलर नेटवर्क भी कहलाती है। ये आपकी रिंग टोपोलॉजी। इसके कुछ लाभ भी हैं, इन्हें भी देखें। तो इसमें छोटे केबल की आवश्यकता होती है। यह ऑप्टिकल फाइबर में एक दिशा में डेटा के प्रवाह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फिर आपकी चौथी है मैश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। इसी कारण से इसे नेटवर्क या फिर नेटवर्क भी कहा जाता है। इसीलिए कारण से पॉइंट टू नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें डेटा के आदान प्रदान का प्रत्येक निर्णय कंप्यूटर स्वयं ही लेता है। ये आपका मैश टोपोलॉजी। इसके लाभों की बात करें तो ये टोपोलॉजी अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इस टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा संचार बाधित नहीं होता है। पांचवा है आपका ट्री टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरे नोड, दूसरी नोड तथा दूसरी नोड से तीसरी नोड किसी पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़ी होती है। यह ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का ही विस्तृत रूप है। इस टोपोलॉजी में रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करते हैं। ये है आपका ट्री टोपोलॉजी। इसके लाभ की बात करें तो इस टोपोलॉजी में नेटवर्क को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। यह टोपोलॉजी पदानुक्रम डेटा के संचार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी है। फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य दो मॉडल होते हैं। एक आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क। दो अथवा दो से अधिक ऐसे कंप्यूटरों का नेटवर्क जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक जैसे प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, इसे पी टू पी नेटवर्क भी कहते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क का इंटरनेट, ये हब स्विच हो गया, प्रिंटर, पीसी। इसमें डेटा ऑडियो वीडियो आदि का डिजिटल प्रारूप में आदान प्रदान होता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए यूनिवर्सल सीरियल बस से जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर क्लाइंट तथा सर्वर दोनों की तरह कार्य करते हैं। दूसरा है आपका क्लाइंट या फिर सर्वर नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर तथा बाकी कंप्यूटर क्लाइंट भी की तरह कार्य करते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहलाते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है तथा सर्वर उस रिक्वेस्ट के लिए उचित रिस्पॉन्स भी देता है। ये आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये सर्वर हो गया डेस्कटॉप क्लाइंट, लैपटॉप क्लाइंट। अब बात करते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
यह कंप्यूटर नेटवर्क की डिजाइनिंग के लिए विकसित किया गया एक स्तरित ढांचा है जो सभी प्रकार के कंप्यूटरों में संचार के लिए अनुमानित अनुमति देता है। इसका विकास ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दो कंप्यूटरों के मध्य होने वाले संचरण का मानकीकरण करने के लिए किया गया है। ISO द्वारा विकसित होने के कारण इसे ISO OSI रेफरेंस मॉडल भी कहा जाता है। OSI मॉडल में कुल 7 परतें होती हैं। क्या होती हैं? कुल 7 परतें होती हैं आपकी। कौन सी ये लेयर हैं? लेयर का नाम और प्रमुख कार्य। फिजिकल लेयर, इस परत का मुख्य कार्य नेटवर्क के भौतिक कनेक्शन से सिग्नल्स को प्राप्त करना या भेजना है। फिर आपका डेटा लिंक लेयर, यह परत डेटा के नोड सिस्टम से नोड सिस्टम तक विश्वसनीय वितरण के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेटवर्क लेयर, यह परत डेटा के पैकेटों को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, यह परत पूरे संदेश को स्रोत पर चलने वाले प्रोग्राम से गंतव्य तक पर चलने वाले प्रोग्राम तक पहुंचाती है। पांचवा है आपका सेशन लेयर, यह परत दो नोड्स को आपस में संवाद स्थापित करने की अनुमति देती है। फिर आपका प्रेजेंटेशन, यह परत डेटा को कंप्यूटर की वांछित रूप प्रारूप में बदलती है। फिर आपका एप्लीकेशन लेयर, यह परत उपयोगकर्ता के द्वारा आवेदित सेवाएं प्रदान करती है, जैसे आपका ईमेल हो गया या फिर फाइल ट्रांसफर। यह परत ईमेल फाइल भेजने तथा संकेत रखने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। ये आपकी नेटवर्क संबंधी कुछ पदावलियां हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, ये ऐसी तकनीक है जिनका प्रयोग सिग्नल्स को एक समान माध्यम से एक साथ प्रसारित करने में किया जाता है। ईथरनेट, यह एक लैन तकनीक है जो कंप्यूटर को नेटवर्क पर एक्सेस करने की सुविधा देती है। इस नेटवर्क को सेट करना बेहद आसान होता है तथा यह नेटवर्क आज के समय का सबसे लोकप्रिय और सस्ता नेटवर्क है। ईथरनेट द्वारा सूचनाओं को 10 मेगावाट प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रांसफर। यह है आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या मल्टीप्लेक्सिंग की ऐसी पद्धति है जो कई सिग्नलों को सिंगल अकेले ट्रांसमिशन चैनल से प्रसारित होने की अनुमति देता है। इस प्रकार उपलब्ध ब्रैंडविड्थ का बेहतर उपयोग संभव हो जाता है। इस तकनीक का प्रयोग अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाले 800 मेगाहर्ट्ज़ तथा 1.9 गीगाबैंड्स वाले सेलुलर फोन्स में होता है। आपका फिर आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, यह कॉपर के तारों द्वारा एनालॉग को लाने ले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन नेटवर्क है। यह टेलीफोन नेटवर्क नए टेलीफोन नेटवर्कों जैसे आपका ISDN हो गया FDDI के विपरीत तरह से कार्य करता है। फिर आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यह नेटवर्क वॉइस वीडियो तथा डेटा को संचारित करने के लिए डिजिटल या फिर सामान्य टेलीफोन लाइंस का प्रयोग करता है। इसमें पैकेट तथा सर्किट दोनों प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग होता है। वायरलेस लूप लोकल लूप, यह एक ऐसा बेतार का संचार लिंक है जिसमें यूजर नेटवर्क से वीडियो आवृत्तियों के जरिए जुड़ता है। इसे फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन भी कहा जाता है। यह CDMA तकनीक पर आधारित होता है। फिर आपका पैकेट स्विचिंग, यह नेटवर्क से डेटा को संचारित करने की एक विधि है जिसमें डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बांट लिया जाता है, जिसके बाद आसानी से उस डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है। फिर आपका सर्किट स्विचिंग, इसमें डेटा को एक फिजिकल मार्ग के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक केवल एक ही मार्ग द्वारा पहुंचाया जाता है। तो चलिए, ये था आपका
ग्यारहवां चैप्टर डेटा संचार एवं नेटवर्किंग के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे बारहवें चैप्टर के बारे में, इंटरनेट तथा इसकी सेवाओं के बारे में।